हेलो कर्तियंस, गुड इवनिंग। फाइनली एक महीने के बाद मेरे को कैमरा मिला। ये रहा मेरे पास कैमरा का बैग। वाओ, इस बैग के पीछे लंबी कहानी है जिसे मैं शॉर्ट में बताऊंगा। कैमरा ले जाने के बाद बच्चे ने बेचने की कोशिश की थी, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, और लास्ट में उपाय ना मिलकर उसने मम्मी के बीमार होने का बहाना किया। मम्मी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है वगैरह वगैरह बोल के। तो भावुक होके उसके दोस्त के भैया ने कैमरे को रखा 5,000 में। तो कैमरे को 5 अक्टूबर, ये जो कैमरा है, इस कैमरे को 5 अक्टूबर को मेरे से लेके गए थे और दुर्गा पूजा ख़त्म होने के बाद भी नहीं लौटाया था। फाइनली मेरे को कल के तारीख में मिला। बेटे के मम्मी ने पैसे दिए 5,000 और मॉर्गेज के तौर पर रख दिया था उसने। इस जेंजी जनरेशन, पॉप जनरेशन के बारे में क्या ही बोलूँ, एकदम यकीन नहीं कर सकते। जिस बंदे के पास मोबाइल ना हो उस बंदे का तो कता भी नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सभी चाहिए, नहीं तो आप किसको दो ही मत, रिक्स ही मत लो। खोल के दिखाता हूँ क्या क्या है इस बैग में। तो सबसे पहले तो मिलेगा हमें कैमरा 1300D। काफ़ी परेशान था मैं इसी की वजह से, इस कैमरे की वजह से। ये वाला सब कुछ तो ठीक ही है, चल रहा है, ऑन हो गया। और चार्जर, एक्स्ट्रा बैटरी के साथ। ज़्यादा कुछ था नहीं कैमरा, मेमोरी, बैटरी के अलावा। बस भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ जो कि कैमरा गायब नहीं हुआ टोटली। उस बंदे का मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ उस बंदे को। जब उसको पता चला कि कैमरा चोरी का है, स्कैम का है, तो उसने नहीं बेचने का फैसला किया। तो यही बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच ऐसे बंदों का, अच्छे बंदे चाहिए दुनिया में। तो ये रही मेरे आज के कैमरा गायब होने की कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।